सिर्फ 5 साल की थी मरियम जब पहली बार उसने ये हरामी वर्ड सुना था। थर्सडे का दिन था गुरुवार का। इसी थर्सडे के दिन जलील उससे मिलने आता था। उसी दिन गलती से इसके हाथ से इसकी माँ का चाइनीज सेट का जो लास्ट पीस बचा हुआ था वो इसके हाथों से गिर के टूट गया। गलती से टूटा था, जानबूझ के नहीं तोड़ा था इसने। इसकी माँ का नाम है नाना। उसने जब देखा उसका चाइनीज सेट का लास्ट पीस टूट गया तो वो गुस्सा हो गई। इतनी गुस्सा हो गई कि इस बेचारी मरियम को तो लगा इसकी माँ की बॉडी में फिर से जिन आ गया। उसकी माँ ने इस 5 साल की बच्ची को कमर से पकड़ा और बोली, ये क्या किया तूने हरामी। अब कुल 5 साल की थी, उसको क्या पता पहली बार उसने ये वर्ड सुना था हरामी। उसे क्या समझ में आता इसका मतलब होता है बास्टर्ड, मतलब वो इंसान जो हराम का पैदा हुआ हो, इलेजिटिमेट या फिर नजायज भी बोल सकते हैं। लेकिन टाइम के साथ इसको समझ आता गया इतना तो कि ये हरामी होना अच्छा नहीं होता। इसका मतलब मैं एक अनवांटेड चीज़ हूँ, एक ऐसी चीज़ जो किसी को चाहिए नहीं थी। लेकिन जलील इसे कभी भी हरामी नहीं बोलता था, वो इसे नाम से बुलाता था, मेरी प्यारी मरियम या फिर एक छोटा खूबसूरत फूल। जलील इसे अपनी गोद में बैठा कर कहानियाँ सुनाता था, हैरात सिटी की कहानियाँ सुनाता था जहाँ वो रहता है। यह हैरात अफगानिस्तान की एक सिटी है, इसलिए मरियम को जलील बहुत अच्छा लगता था। वो कभी इसे हरामी नहीं बोलता था, कम से कम अपनी माँ से तो बहुत ही सही। और क्यों ना लगे, आखिर जलील मरियम का बाप है जो इसके और इसकी माँ के साथ में एक छोटे से कमरे में नहीं रहता, एक छोटे से रूम में ये और इसकी माँ नाना साथ में रहती हैं। ये इससे हर थर्सडे को मिलने आता है, ये हैरात में रहता है, हैरात नाम की सिटी में, अपनी जायज़ बीवियों और जायज़ बच्चों के साथ। और हर गुरुवार को ये यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने आता है। मरियम को अपने बाप जलील की सुनाई हुई सारी कहानियों पर भरोसा होता है, क्योंकि वो खुद कभी अपने फादर के साथ में उस सिटी में नहीं गई, हैरात में। लेकिन उसकी माँ नाना बोलती है कि वो जलील झूठ बोलता है, जब उसका काम निकल गया तो उसने तुझे और मुझे दोनों को अपने घर से बाहर फेंकवा दिया। वो अपने साथ नहीं रख सकता था हमको क्योंकि उसको शर्म आती थी। इस जलील के पास 3 बीवियाँ हैं और जायज़ बच्चे हैं इसके 9 या 10। खुद का सिनेमा हॉल भी है जिसमें फिल्में लगती रहती है, हॉलीवुड की बॉलीवुड की, और बड़ा पैसे वाला है ये। नाना जलील के घर में कभी काम किया करती थी, एक हाउस कीपर थी। जलील ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसे भी प्रेग्नेंट कर दिया। और जब ये प्रेग्नेंट हो गई, मरियम इसके पेट में आ गई, तो नाना के खुद के बाप ने उसे बेटी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ जलील ने इसको अपनाया नहीं तो अब ये कहाँ जाती। तो जलील ने इसे अपने घर में नहीं रखा बल्कि सिटी से बहुत दूर एक छोटा सा कमरा दिलवा दिया जहाँ पर अभी ये माँ बेटी रह रही हैं। और हर गुरुवार को ये अपनी बेटी से मिलने आता है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इस नाना का बिहेवियर अपनी बेटी के लिए कुछ खास मीठा नहीं है जैसा कि जलील का अपनी बेटी के लिए है, लेकिन ये अपनी बेटी को हमेशा एक बात कहकर समझाती है कि बेटी इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन आदमी जो आदमी की जात है ना इस पर भरोसा मत करना। क्योंकि एक जैसे एक कंपास होता है, कंपास उसमें एक सुई होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा करती है, वैसे ही आदमी की उंगली हमेशा औरत पर उठती है। वो हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं औरत पर इल्ज़ाम लगाने का। उसने अपनी बेटी को बताया कि जब तू मेरे पेट में आ गई थी, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वो समझा रही थी अपनी बेटी को, जैसे तू मेरे पेट में आ गई थी उस वक्त मैं हैरात में रहना नहीं चाहती थी, मैं खुद वहाँ से चली आई क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी बातें बनाने लगे थे। और 1959 में स्प्रिंग के सीज़न में जब मैं तुझे जन्म देने वाली थी उस वक्त उस जलील ने डॉक्टर तक को नहीं बुलवाया। जैसे जैसे मरियम बड़ी हो रही थी उसे अपनी माँ की बातें समझ में आ रही थी, उसकी माँ उसे अपना दर्द सुना रही थी, लेकिन अभी भी उसे जलील अच्छा लगता था, वो उस पर विश्वास करती थी। जलील बोलता था, वहीं दूसरी तरफ जलील बोलता था कि तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोलती है, जो कुछ भी बोलती है मेरे लिए तुम्हारे दिल में नफरत भरने की कोशिशें करती है। तुम्हारी माँ को मैंने हॉस्पिटल भेजा था जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो तुम्हें जन्म देने वाली थी। और तो और बेटी, ये नाम जो तुमको मिला है ना मरियम, ये भी मैंने दिया है, मैंने ही चुना था। झूठ बोलता है वो, उसकी माँ ने बोला, मैंने चुना है तुम्हारा नाम। फिर भी पता नहीं क्यों इसको जलील पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता था, जितना ज़्यादा वो जहर भरने की कोशिश करती थी उतना ज़्यादा ये जलील के करीब जाती। नाना ने अपनी बेटी को खाना बनाना सिलाई करना सिखाया और मुल्ला फैजुल्ला जो कि कुरान के टीचर थे उनसे वो पोएम्स सुनती थी, वो मरियम को पढ़ाते थे और भी बहुत कुछ उन्होंने सिखाया।
वो मरियम को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते थे और बोलते थे, बेटा मरियम, जब भी तुमको ज़रूरत पड़े ना कुरान की, तो ये कुरान तुम्हारी मदद करेगी। अब एक दिन मरियम की और बाकी सब की इच्छा हुई कि ये स्कूल जाकर पढ़े, क्योंकि जलील की बाकी बेटियाँ भी स्कूल जाती थी, तो इसकी भी इच्छा हुई। उस वक्त मुल्ला फैजुल्ला ने मरियम की माँ से जाके बात की, नाना से, लेकिन उसने मना कर दिया कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है मेरी बेटी को वो मैं सिखा रही हूँ, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है एक लड़की को सीखने की, बर्दाश्त करना, वो भी मैं अपनी बेटी को सिखा रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर उसे बर्दाश्त ही करना है। और दूसरी चीज़, जब वो स्कूल जाएगी तो एक चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी कि स्कूल के बच्चे उसे हरामी कहकर चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, वो मैं नहीं चाहती। अब कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है ये सब तो बहाने थे नाना के अपनी बच्ची को पढ़ने ना भेजने की। इसे ऐसा लग रहा था, इसे ये डर था कि इस बच्ची को अगर एजुकेशन मिल गई तो ये इसे छोड़कर चली जाएगी, और इसके अलावा इसका कोई है नहीं, तो ये नहीं भेजेगी इसको स्कूल, सीधी सी बात है। इसलिए मरियम बहुत अकेली थी। उसको बहुत पसंद आता था जब उसके घर में लोग उससे उसके घर में मिलने आते थे, और सबसे ज़्यादा उसे इंतज़ार रहता था जलील का, अपने फादर का। वो हफ्ते में एक बार आता था थर्सडे के दिन। जब वो आता था तो वो बहुत एक्साइटेड फील करती थी, लेकिन अपनी माँ को नहीं दिखाती थी। बड़ा मुश्किल होता था उसके लिए अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने का। जब तक जलील इनके घर में रहता था तब तक नाना भी बड़ा प्यार से अच्छा बिहेवियर दिखाती थी उसको, अपना बाल धोती थी, अच्छा हिजाब पहनती थी, और जलील और मरियम को चाय भी पिलाती थी। फिर 1973 की गर्मियाँ, उस वक्त मरियम की उम्र हो गई होगी कोई 14 साल के आसपास, उस वक्त अफगानिस्तान का तख्ता पलट हो रहा था, तो अफगानिस्तान रिपब्लिक बनने जा रहा था। जलील ने अपनी बेटी की, 14 साल की बेटी मरियम को बताया ये सब कि बाहर ऐसा ऐसा हो रहा है, और इसके अलावा उसने अपनी बेटी को एक झुमका दिया। मरियम को बड़ा पसंद आया, लेकिन उसकी माँ ने इस झुमके का मजाक बनाया कि यह नकली ज्वेलरी है, बंजारे पहनते हैं, वो और दे भी क्या सकता है। लेकिन मरियम को तो अपने बाप का दिया हुआ हर तोहफा पसंद आता था। मरियम हमेशा सोचती थी कि हैरात में लोग रहते कैसे होंगे, काश मैं वहाँ जा सकती, काश रोज़ मैं अपने फादर को देख सकती, क्यों हफ्ते में एक बार ही। अब मरियम का जब 15th बर्थडे आया एक दिन, उस दिन उसने एक इच्छा अपने फादर जलील के सामने रखी, मुझे आपके सिनेमा हॉल में फिल्म देखनी, जो अमेरिकन फिल्म लगी है ना अभी, वो देखनी है, कार्टून फिल्म थी कोई। नाना बोली, नहीं तुमको नहीं जाना है। तो जलील भी बोला, तुम्हारी माँ सही कह रही है, वैसे भी वो फिल्म इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन वो ज़िद करने लगी। और आखिरकार उसने ज़िद में अपने फादर से कहा, जलील से, कि आप कल मुझसे मिलने आओगे। जलील उसकी तरफ मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, वो वहाँ से चला गया। नाना को जब पता चला कि मरियम इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो जलील के साथ में हैरात जाना चाहती है, वहाँ का माहौल देखना चाहती है उसके घर पर, तो नाना अपनी बेटी पर हंसने लगी, उसको गिल्टी फील करवाने के लिए कि वो झूठा प्यार दिखाता है, वो नहीं लेके जाएगा तुझको। अब मरियम को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बाहर चले गई वॉक करने के लिए, गुस्सा उसने दिखाया नहीं, वो थक चुकी थी अपनी माँ से जलील की बुराई सुन सुनकर, कि खुद को तो कुछ मिला नहीं, वो चाहती है मुझे भी कुछ ना मिले। वो एक जगह पर बैठ गई और पत्थर जमा करके काउंट करने लगी कि ये जलील की वाइफ्स, उसके 10 बच्चे, और उसके साथ में एक और पत्थर ऐड किया कि ये 11वां पत्थर मैं हूँ। अगले दिन एक खूबसूरत सा हिजाब पहनकर वो नदी किनारे बैठ के जलील का इंतज़ार करने लगी। एक घंटे तक इंतज़ार करने के बाद जब जलील नहीं आया तो उसने फैसला किया, अब मैं जाऊंगी हैरात, खुद जाऊंगी अकेले। वो निकल पड़ी और पहुंच भी गई, पहली बार उस सिटी में अकेले पहुंच गई। और कमाल की बात, वहां रास्ते भर किसी ने भी उसको हरामी नहीं कहा, उसने किसी को अपने बारे में बताया नहीं, अपना नाम ही नहीं बताया। वहाँ पार्कों में रास्तों पर अकेली भटकती रही। एक गाड़ी वाले से पूछा, आप जलील को जानते हैं, सिनेमा है उसका यहाँ पर। वो जानता था तो उसने इसको जलील का घर बता दिया। वो लेके आया और वहाँ पर एक कार पार्क थी, बोला ये है जलील का घर। फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक जवान सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। मरियम ने उसको बताया कि वो कौन है, तो वो दौड़ कर अंदर गई। इसके बाद जलील का ड्राइवर आया बाहर दरवाजे पर और बोला, जलील तो घर पर नहीं है, और उसने बताया नहीं कि वो कब तक वापस आएगा। मरियम बोले, ठीक है मैं इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन ड्राइवर बोला, तुम जाओ यहाँ से अभी, मैं तुमको वापस छोड़ कर आता हूँ। लेकिन मरियम ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, जब तक मैं जलील को देख नहीं लेती मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और वो जलील का इंतज़ार करती रही करती रही करती रही, जब तक कि शाम नहीं हो गई, शाम से रात हो गई, और रात से
सुबह हो गई, वो रात को वहीं पर सो गई। सुबह ड्राइवर ने उसे जगाया कि तुम्हारे यहाँ पर रात भर रहने की वजह से अंदर जलील के घर में सीन क्रिएट हो गया है, झगड़े हो गए हैं। तुमको कहा था ना यहाँ से चले जाओ। जलील ने कहा है कि तुमको अभी के अभी वापस छोड़ कर आया जाए, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। वो यहाँ वहाँ भागने लगी पार्क में, यहाँ वहाँ भागने लगी। ड्राइवर ने आखिरकार उसे पकड़ने की कोशिश की, आखिरकार उसे पकड़ा, कार में बैठाया और उसके बाद वापस ले गया उसकी माँ के पास। रास्ते में वापस जाते जाते मरियम का ना जलील को लेकर जितना भी भ्रम था ना वो सब टूट गया। वो रास्ते में रोने लगी, उसे गुस्सा आ रहा था और बहुत शर्म आ रही थी अपने आप पर कि जलील को कितना ज़्यादा उसने आइडियलाइज कर लिया और अपनी सगी माँ की बात नहीं मानी कि सही बोलती है मेरी माँ, जलील झूठ बोलता है। अब पता नहीं क्या मुंह दिखाएगी अपनी माँ को वापस जाकर, और उसकी बॉडी में जिन आ जाएगा, बहुत गुस्सा करेगी। उसको डर लग रहा था। ड्राइवर उसे पैदल पैदल उसने हाथ पकड़ कर उसको नदी को पार करवाया। मरियम को बहुत डर लग रहा था अपनी माँ का। रास्ते में इस ड्राइवर ने बोला वापस जाओ, बहुत गंदी तरीके से इसको फटकारा, इस पर चिल्लाया, बोला वापस जाओ। लेकिन जब ये वापस गई तो बहुत देर हो चुकी थी। मरियम की माँ ने खुद को रस्सी से लटका लिया, सुसाइड कर ली थी। उसके पास में एक कुर्सी एक पलटी हुई पड़ी थी। शायद उसने खुद को इसलिए लटका लिया था क्योंकि उसे लगा मरियम जो सिर्फ उसका एक अकेला सहारा है वो भी उसे छोड़कर चली गई है। अब दोस्तों ये कहानी अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बड़ी कमाल की स्टोरी है खालिद हसने की, जिन्होंने काइट ट्रेनर भी लिखी है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।